हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज में पीछे के गले पे डिजाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ब्लाउज का जो पीछे का भाग है वो कट कर रखा है, जिसकी लंबाई मेरे को तैयारी रखनी है 14 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है यानी 15 इंच। यहाँ पे तीरा मैंने रखा है 7 इंच और आर्म होल 6.5 इंच, और इसकी चेस्ट है वो मेरे को तैयारी कर रखनी है 38 इंच, जिसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच। 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है, मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ से मैं गले वाली साइड से कटिंग करूँगी, तीरे वाली साइड है यहाँ से हम गला रखेंगे 4 इंच, और जो गले की लंबाई यानी गहराई है वो रखेंगे 3 इंच, और यहाँ इस प्रकार से गोलाई में शेप दे देंगे। अब जो गले की लंबाई है उसका नाप लेना है, यहाँ से गला मैं रखूँगी 11 इंच। गला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से इसको गोलाई में शेप देते हुए कुछ इस प्रकार से, जो ये हमारा आर्म होल है इसकी साइड हम इसको इस प्रकार से ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं आर्म होल हमेशा 6 इंच रखती हूँ। इसमें मैंने 6.5 इंच रखा है, क्योंकि 0.5 इंच हमारे यहाँ मार्जिन का चला जाएगा, इसलिए मैंने 6.5 इंच रखा है। अब ऊपर की साइड से जो ये गले का निशान लगा रखा है, यहाँ से हमें 2 इंच पे एक निशान और लगाना है। इस प्रकार से निशान लगाते हुए और इसको इस प्रकार से शेप देनी है, ये देखिए इस प्रकार से, और हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है, ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन आएगा। अब हम जो ये बीचों बीच है इसको भी कट कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से 0.5 इंच तक हम जुड़ा हुआ रखेंगे, नीचे तक कट नहीं करेंगे, और यहाँ से हमें इसको इस प्रकार से अलग करते हुए, ये मैंने कुछ पोटलियाँ बनाई हैं डिज़ाइन के लिए, इनको इस प्रकार से इसके ऊपर रखते हुए एक एक करके इस प्रकार से रखेंगे, और इनको इस प्रकार से बीच में रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है पोटलियों को, या फिर पहले हम अकेली पोटलियों पे सिलाई लगा लेंगे और बाद में जो ये साइड वाला कपड़ा है इसको ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हम पहले इस प्रकार से भी सिलाई लगा सकते हैं, ताकि ये इधर उधर हिले ना, और अब इस प्रकार से इसके ऊपर रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमें एक सिलाई ऊपर की साइड फिनिशिंग के लिए लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम अब इस पे पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग के लिए मैं गोल्डन कपड़ा रखूंगी, ये देखिए मैंने उरेब की पट्टी कट कर रखी है, और पाइपिंग हमेशा की तरह मैं धागे वाली ही निकालूंगी। और पाइपिंग हमें जो ये नीचे की साइड यहाँ से और यहाँ तक दूसरी साइड तक है, यहाँ तक निकालनी है, और ऊपर की साइड का जो ये हिस्सा है इसमें हमें यहाँ से पाइपिंग निकालनी है। दोनों साइड हमें पाइपिंग निकाल लेनी है, ये देखिए हमने दोनों हिस्सों पे पाइपिंग निकाल ली है। अब हम ये कुछ कपड़े के टुकड़े लेंगे और इनकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 इंच रखेंगे, ये देखिए। और जो ये ऊपर की साइड का हिस्सा है, नीचे की साइड वाले हिस्से को हम एक बार साइड में रख देते हैं, और जो ऊपर की साइड का हिस्सा है यहाँ पे इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और इसको पत्ती की शेप देंगे, और यहाँ पे नीचे की साइड इस प्रकार से लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसी प्रकार से एक एक करके दूसरे कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, और फिर इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, और यहाँ दूसरी पत्ती को इसके साथ अटैच करना है। इसी प्रकार से एक एक करके हमें यहाँ तक
इस प्रकार से पत्ती बनाते हुए लगा लेना है। ये देखिए हमने एक एक करके सभी पत्तियों को इसके साथ अटैच कर दिया है कपड़े के साथ। अब हमें जिस प्रकार से हमने कटिंग की थी, जिस प्रकार से हमने अपने ब्लाउज की जो कटिंग की थी डिज़ाइन की, उसी प्रकार से मिलाते हुए इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल बराबर मिलाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और इसी प्रकार से जो ये दूसरी साइड है, यहाँ पे जो ये पाइपिंग वाला हिस्सा है, इसको इस प्रकार से ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और इसी प्रकार से दूसरी साइड सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे ये छोटे छोटे मोती लूंगी और सुई धागा लूंगी। और यहाँ पे जो ये पत्ती की नोक है, यहाँ पे सुई धागे की मदद से हमें एक एक मोती को चिपका लेना है इस प्रकार से। सुई धागे की मदद से नोक पे मोती चिपकाएंगे इस प्रकार से, ये देखिए। और एक एक करके सभी पत्तियों पे इसी प्रकार से मोती लगा लेने हैं। ये देखिए मैंने एक एक करके मोती चिपका दिए हैं और हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।